दोस्तों 68वीं राज्य स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट प्रतियोगिता पांचला सीधा के अंदर चल रही थी। आज जो है अंडर 17 का फाइनल मैच हुआ है और जयपुर की टीम है वो विजित हुई है। आइए इनसे हम परिचय लेने का प्रयास करेंगे, उसके साथ साथ किस प्रकार ये जो लोग हैं प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ तक पहुँचने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती है वो सारी बातें जानने का प्रयास करेंगे। ये जो है टीम मेरे साथ जो विजित टीम है वो खड़ी है, कितने मैच खेलने के बाद में ये लोग फाइनल तक पहुँचे और फाइनल में इनका किन से जो है मुकाबला हुआ और किस प्रकार इनके कितने सेट ये जीते वो सारी बातें जानने का प्रयास करेंगे। गुड़िया, क्या नाम है आपका? मेरा निहारिका चौधरी नाम है। कहाँ से हो आप? मैं जयपुर की हूँ। कौन सी क्लास पढ़ते हो? मैं 12th। 12th में आप लोग यहाँ पर कुल कितने मैच खेले थे? हमने टोटल 11 मैच खेले यहाँ पे। यहाँ पे हाँ, और फाइनल हमारा 11th मैच था और वो डीडवाना कुचामन के साथ था। हमारा डीडवाना कुचामन के साथ कितने सेट हुए? बेस्ट ऑफ 5 लगे थे पूरे सेट। पूरे सेट लगे थे। अच्छा, आप लोगों ने फर्स्ट में कितने सेट जीते थे? दो में से दो। हमने पहला सेट हमने लिया था, फिर कंटिन्यू दो सेट उन्होंने लिए, फिर कंटिन्यू लास्ट वाले दो सेट हमने लिए। अच्छा, ये जब आप लोग यहाँ पर पहुँचते हो यहाँ तक, तो आपकी पीछे मतलब एजुकेशन के साथ साथ कितनी प्रैक्टिस करते हो? हम लोग सुबह हमारा ग्राउंड रहता है 6 से 9 बजे तक लमसम, और फिर उसके बाद में हमारे स्कूल टाइमिंग रहता है, फिर 9 से हम लोग 12-1 बजे तक स्कूल रहता है, फिर हमारा वापस 4 बजे से ग्राउंड, 4 से 7 बजे तक हम प्रैक्टिस करते हैं। तो एजुकेशन आपका कब करता है? एजुकेशन दो स्कूल के आने के बाद में टाइमिंग मिल जाती है, स्कूल में पढ़ लो या शाम को प्रैक्टिस करने के बाद में आके पढ़ता है, वही टाइमिंग है। हाँ, लेट नाइट तक पढ़ लो। फर्स्ट प्रायोरिटी खेल के टाइम पे? हाँ, फर्स्ट टाइम अभी खेल को या खेल को है अभी तो फिलहाल। फिलहाल स्कूली टूर्नामेंट थे तो अभी फुल फोकस इस पे किया है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य खेलना है सर, इंडिया खेलना है। इंडिया खेलना है। अच्छा, मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरी मम्मी ब्लड कैंसर पे काम करती है और पापा पार्ले कंपनी है ना उसके अंदर काम करते हैं। उसके अंदर काम करते हैं। और कितने भाई बहन हो आप? हम दो बहन भाई है। दो बहन भाई। भाई क्या खेल में? भाई छोटा है। नहीं, छोटा है। हाँ। आप लोग जब यहाँ पर आए थे तो किस किस डिस्ट्रिक्ट से हो? जयपुर का, सॉरी किस किस तहसील से हो? हम लोग सारे अलग अलग से हैं। सब अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग तहसील से। कोई हनुमानगढ़ से, गंगानगर है, सीकर है। अच्छा, पूरे नागौर। आप कोच हैं? अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं ये? ये इसमें राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के द्वारा हर मई के अंदर साल में ट्रायल होती है, उसके अंदर सभी बच्चे जो लड़कियां हैं ट्रायल देने के लिए आते हैं, उसमें से हम जो 15 लड़कियां छाँटते हैं और वो 15 लड़कियां पूरी साल बिल्कुल निःशुल्क रहने की खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। फिर वहाँ पर हमारे राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद द्वारा एकेडमी की डायरेक्ट एंट्री होती है, जो स्कूली एजुकेशन में डायरेक्ट एंट्री होती है और जो ओपन की टूर्नामेंट होते हैं उनमें डायरेक्ट एंट्री होती है। अभी एकेडमी गवर्नमेंट द्वारा संचालित है या प्राइवेट? ये एकेडमी गवर्नमेंट द्वारा संचालित है, इसमें खिलाड़ियों से किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाता। यहाँ बच्चों के लिए रहने के लिए, खाने के लिए और खेलने के लिए पूरी तरह से निःशुल्क व्यवस्था रहती है और पढ़ाई का लिए भी पूरी निःशुल्क व्यवस्था रहती है इनके लिए। किसी बच्चों से किसी प्रकार कोई चार्ज नहीं लिया जाता और इस साल ये अकेडमी पूरी साल नियंत्रण रहती है। बच्चे खेल के साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं, सुबह शाम खेलते हैं और दिन में वो पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं और एग्जाम में टाइम थोड़ा रिलैक्स कर दिया जाता है गेम के लिए और बाद में वो पढ़ाई करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रवीण शर्मा है, मैं जयपुर से हूँ। अच्छा, आप जयपुर से। गुड़िया, आप कहाँ से हो वैसे? मैं प्रॉपर जयपुर की। जयपुर से ही हूँ। आपका क्या नाम है? पूनम। पूनम। अच्छा, आप कहाँ से हो? गंगानगर। गंगानगर। क्लास 10th। 10th। कितने भाई बहन हो? 4। मम्मी पापा क्या करते हैं? खेती बाड़ी। मतलब किसी के गवर्नमेंट जॉब वाला या कोई खेल से जुड़े हुए हैं पेरेंट? सब खेती बाड़ी और किसानी से। अच्छा, आप शुरुआत कहाँ से हुई खेल की? सर, हमारे गांव से। गांव से। आपका क्या नाम? गुड़िया रजनीश। रजनीश, आप तो लड़कों की तरह हाइट है, नाम भी लड़कों से रिलेटेड है। आप क्या खेलते हो इसके अंदर वॉलीबॉल में? क्या मतलब मुख्य? सेंटर ब्लॉक। सेंटर। और आपकी हाइट अच्छी है तो स्पेसिंग अच्छा हो जाता है। अच्छा हो जाता है। सर की ट्रेनिंग वॉलीबॉल के अंदर बात करें तो क्या हाइट में मायने रखती? तो वॉलीबॉल में सर हाइट ही मायने रखती है। यदि हाइट नहीं तो खिलाड़ी को क्या है कि जो पोजीशन है ना, उस पोजीशन में एक लिब्रो एक ऐसी पोजीशन में इसमें कम हाइट चल जाती है, लेकिन अगर उसके अलावा अगर हाइट नहीं है ना तो उसके लिए आगे बढ़ना थोड़ा पॉसिबल बहुत कम चांस है। बहुत कम, क्योंकि वॉलीबॉल में जो हाइट होती है लड़कियों की हाइट होती है नेट की 2.24 मीटर होती है और लड़कों की जो नेट की हाइट होती है 2.43 मीटर होती है। तो उस हाइट को जंप लेकर मारने के लिए वो सामने वाले जो ब्लॉकर है उनको अवॉइड करके जो मारने के लिए अच्छी हाइट होना बहुत ज़रूरी है और अच्छा जंप होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सुंदर। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे पापा दूध का बिजनेस करते हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा, हाउसवाइफ है। कितने भाई बहन हो? दो ही हैं। दो ही हैं। आपका क्या नाम? गुड़िया सर, मेरा नाम रचना चौधरी है, मैं गंगानगर से हूँ। गंगानगर से। yes. आप कहाँ से हो? सीकर से। सीकर से। और गंगानगर कितने भाई बहन हो? दो हैं। दोनों पढ़ाई?
हाँ सर, एमआई खेल में, वो पढ़ाई में। वो पढ़ाई में, हाँ सर। अच्छा, पढ़ने में होशियार है। और आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? सर, मेरे पापा नगर पालिका में काम करते हैं और मम्मी हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है, यस सर। क्या लक्ष्य आगे? इंडिया है सर। इंडिया, यस सर। बहुत सुंदर। क्लास? क्लास सर 11th है। 11th है, मतलब एक अंडर 19 का मतलब और मौका मिलेगा। हाँ सर, 17। अंडर 17, यस सर। अच्छा, अंडर, अभी तो दो मौके और पड़े हैं इसके पास। हाँ सर, बहुत सुंदर। आपका क्या नाम गुड़िया? सर प्रिया मिडल, नागौर से। नागौर से, नागौर में? हाँ सर, नागौर में सर, छोटी काटू पीड़वा। क्लास? क्लास है 12th। 12th। और कितने भाई बहन? चार। चार भाई बहन। हाँ, कहीं ऐसा लगा नहीं नागौर वाला डिंडवाड़ा वालों को बुरी तरह सपोर्ट कर रहे थे और आप भी नागौर से हो? नहीं सर, ऐसा तो नहीं लगा, पर वो हमारी टीम थी और टीम की तरफ ही रहना। जो जो यहाँ वोटिंग चल रही थी आपके, क्योंकि आप तो गिने चुने सदस्य है जयपुर से। हाँ। और डिडोना ना कुचमन वाले तो लोकल पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा वोटिंग हो रही थी, लेकिन उसको कैसे मतलब प्रेशराइज नहीं होने दिया, हैवी नहीं होने दिया? सर वो जितनी वोटिंग करते हैं ना, उतनी हम चार पांच कर लेते हैं सर। बहुत है सर इतनी वोटिंग हमारे लिए। कितने भाई बहन हो? चार सर। और छोटे हो बड़े आप? छोटे हैं सर, दो भाई छोटे हैं, एक सिस्टर बड़ी है, वो आई है मैनेजर खेलना है। नहीं, वो मैनेजर है सर टीम। अच्छा, टीम मैनेजर है। हाँ सर। और मम्मी पापा क्या करते हैं? सर पापा दुबई रहते हैं और मम्मी घर का काम करती है। अच्छा, दुबई में कहाँ? दुबई सर पता नहीं। अच्छा, आपका क्या नाम है? सर अनीता जाट। अनीता, अच्छा आप कैप्टन हैं। यस सर। अनीता आप कहाँ से हो? सर भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में? सुहाना। सुहाना, अच्छा। आप कितने भाई बहन? सर चार। चार। और एजुकेशन? सर 10th क्लास। 10th में है? यस सर। अंडर 17? यस सर। तो मतलब अभी दो साल? यस सर। और हैं? यस सर। एजुकेशन में आगे, एजुकेशन के साथ साथ खेल में क्या लक्ष्य है? सर इंडिया। इंडिया। और मम्मी पापा क्या करते हैं? सर मम्मी हाउस वाइफ है और पापा शॉपिंग पर। अच्छा, यहाँ जब टूर्नामेंट के लिए आते हो तो काफ़ी खर्चा भी लगता है, तो आप किसान परिवार से हो तो खर्चा लगता भी है खेल के लिए? एकेडमी करती है हमारा सब खर्चा। आपका तो एकेडमी करती है? यस सर, सभी बच्चों। लेकिन एकेडमी के अलावा भी कहीं खेले हो? कैसे? एकेडमी के अलावा स्कूल में? नहीं, स्कूल तो है, स्कूल ही खेल रहे ना। इससे पहले कभी खेल में गए हो? एकेडमी में आए? नहीं सर, पहले जैसे एक साल अपने भीलवाड़ा में प्रैक्टिस की और फिर एकेडमी ट्रायल दी तो वहाँ सिलेक्शन हो गया, और पिछले साल हमने सापुरा में टूर्नामेंट खेला था तो हमने सेमीफाइनल खेला था और हम में से 3 लड़कियों का नेशनल हुआ था, और इस बार हमारी वापस वही अच्छी प्रैक्टिस करके आए तो इस बार गोल्ड लगाए। गोल्ड, बहुत सुंदर। आपका क्या नाम है? सलोनी। आप कहाँ से हो? झुंझुनू से। झुंझुनू, जैसे कबड्डी की दो हो गई। आप कौन से क्लास में पढ़ रहे हो? 10th में। 10th में। मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा खेती बाड़ी और मम्मी का भाई घर। अच्छा, हाउस वाइफ है। हाँ। कितने भाई बहन हो? पांच बहनें। पांच बहनें। क्लास कौन सी? 10th। अच्छा, भाई नहीं है। तो क्या लक्ष्य क्या है? इंडिया खेलना। इंडिया खेलना। एक गाँव से निकलते हैं तो घर वाले बोलते हैं कि घर से बाहर लड़कियों को नहीं भेजेंगे, ऐसा कभी फेस हुआ? नहीं, नहीं हुआ। क्या मम्मी पापा ने क्या बोल के भेजा? मेरे पापा खुद खेलते थे। अच्छा, किस में? वॉलीबॉल में। वॉलीबॉल में थे। हाँ। तो मतलब वो उनको एक्सपीरियंस है कि? हाँ। अब आगे क्या लक्ष्य? मेरा इस बार मेडल लग गया, अगली बार और अच्छा खेलेंगे। और अच्छा खेलेंगे। और और आप पांचों बहनों में छोटी हैं या बड़ी? मैं छोटी, सबसे छोटी। हाँ। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम? मोनिका गुज्जर। कहाँ से मोनिका? मैं चूरू से। चूरू से। कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं? 12th। 12th में सर। कितने भाई बहन हो? पांच। पांच। क्या खेलते हो आप? तो बड़ी छोटी सी हाइट। मैं लिब्रो खेलती हूँ। अच्छा, लिब्रो खेलते हो। हाँ। अच्छा, इस टीम के अंदर आप लोग आपस में कभी ऐसा होता है कि मैं तूने गलती कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया? नहीं सर, नहीं होता। अगर कोई गलती कर देता क्या करते हो? उसको मोटिवेट करते हैं, डीमोटिवेट नहीं करते हम। अच्छा, कि दोबारा गलती नहीं करते? हाँ। कितने भाई बहन? हम पांच हैं, चार बहनें, एक भाई है, छोटा। छोटा है। अच्छा, आप कौन सी क्लास में? मैं 12th में हूँ। 12th में। अच्छा, मम्मी पापा क्या करते हैं? खेती का ही। खेती का काम करते हैं। आपका क्या नाम है? सर शिक्षा। कहाँ से हो? झुंझुनू। झुंझुनू, शेखावटी 3। हाँ सर। कौन सी क्लास पढ़ते हैं? सर 12th। 12th में। हाँ सर। और 10th में क्या परसेंटेज रहे? 85 सर। और ये फर्स्ट टाइम अटेंड किया टूर्नामेंट या पहले भी किया? सर पिछले साल सापुरा में किया था, जब गेम स्टार्ट ही किया था, अब की बार सेकेंड बार है। सेकेंड बार है। हाँ सर। और सेकेंड बार में फाइनल जीत लिया? हाँ सर। गोल्ड मेडल सर। हाँ सर। लक्ष्य? सर इंडिया खेलना। इंडिया खेलना। कितने भाई बहन? सर पांच बहनें। पांच बहनें। भाई नहीं है? नहीं सर, ये दोनों बहनें। बहनें। अच्छा, दोनों बहनें। हाँ सर। बहुत सुंदर। मम्मी पापा आपकी खेती करते हैं? हाँ सर।
अब जो है ट्वेल्थ आपका हो गया है, आगे जैसे कॉलेज सेक्टर में जाओगे तो किस प्रकार इसको मेंटेन करोगे? सर मैं मेरा गेम कंटिन्यू रखूंगी, पढ़ाई के साथ गेम करती रहूंगी जब तक लक्ष्य पूरे नहीं होगा, इंडिया नहीं खेलूंगी जब तक। जब तक? हाँ सर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिक्योरिटी से जो है बहुत अच्छा है खेल की अगर बात करें। गुड़िया तेरा क्या नाम? इशाना परवीन। आपका चश्मा भी लग गया मेरे इधर। कौन सी क्लास? 10th। 10th। और कौन सा गाँव है, कहाँ से हो? भिलवाड़ा, सांगानेर। सांगानेर से। हाँ। क्या लक्ष्य, क्या? इंडिया खेलना सर। इंडिया खेलना। सारे तो इंडिया खेलोगे तो इंडिया के मेडल मेडल हो जाएंगे सर। खेलेंगे तो सर गेम बनेगा सर। मम्मी पापा क्या करते हैं? सर मम्मी तो हाउस वाइफ है और पापा घर बनाते हैं। अच्छा, ये काम करते हैं अपने मिस्त्री का? हाँ, मिस्त्री का। अच्छा, कितने भाई बहनों? चार, चारों गेम में। चारों गेम में क्या क्या खेलते हैं? बड़ा भैया मेडलिस्ट है नेशनल। किसमें? वॉलीबॉल में। लिब्रो पोजिशन खेलते हैं। मैं गोल्ड मेडल ले गया है। छोटी बहन खेलती है वॉलीबॉल और एक छोटा भैया रेसलर हो। रेसलर में किस अखाड़े से खेलते हैं? अभी तक तो प्रैक्टिस चल रही है। अच्छा, छोटे ही अभी तक। भिलवाड़ा में अखाड़े बहुत है, मैं गया हूँ आपके भिलवाड़ा में। भिलवाड़ा में है कई अखाड़े जहाँ से एक बच्ची नेशनल भी खेली है ना भिलवाड़ा से। इतना पता नहीं रेसलर में, हम तो वॉलीबॉल में है। अच्छा, वॉलीबॉल। हाँ, उसको अलग गेम में डाला है। अच्छा, अलग गेम में डालता है, बहुत सुंदर। आपका क्या नाम? पापा ने डाला। पापा भी यही पे है। अच्छा, यहीं पे है पापा? हाँ, साथ आए। हाँ, बहुत सुंदर। आपका क्या नाम? सिया। सिया शर्मा, जयपुर से। जयपुर से हैं। हाँ। अच्छा, आप मेन प्लेयर में है इस पर? हाँ हाँ, अंदर खेलते। सेटर, सेटर। सेंटर खेलते? लिफ्टर, लिफ्टर। अच्छा, लिफ्टर खेलते। हाँ जी। कौन सी क्लास पढ़ते हैं? 11th। मम्मी पापा? मम्मी टीचर है और पापा कोच है। अच्छा, पापा कोच है। आपके तो पूरी घर की फौज है इसके तो। अच्छा, इसी टीम के कोच है? हाँ जी सर। अच्छा, कौन सी क्लास पढ़ रहे हो? 11th में। 11th में। और आगे क्या लक्ष्य है? इंडिया खेलने का लक्ष्य और जी ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स जीतने का है। ताकि कितने भाई बहन? दो ही भाई बहन है, एक छोटा है वो भी खेलना स्टार्ट करेगा। अच्छा, वो छोटा है अभी। छोटा है। हाँ जी। आपका क्या नाम उड़िया? स्वाति। कहाँ से हो? हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ से हो। और एजुकेशन तो पढ़ाई, अब कौन सी क्लास पढ़ रहे हो? 10th। 10th में। अच्छा, ये एकेडमी इस साल ज्वाइन किया? नहीं, पिछले साल। पिछले साल ज्वाइन किया था। कितने भाई बहनों? तीन बहन। तीन बहन? नहीं, दो बहन है और एक भाई है। एक भाई है। मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा नहीं है और मम्मी हाउसवाइफ। अच्छा, पापा नहीं है तो मम्मी ने एकेडमी में मतलब कैसे इतना कि भाई बेटी को भेज दूँ, ये मम्मी कुछ बोलती नहीं अभी? नहीं। क्या बोलती है? अच्छे से रहना बस, जाओ। अच्छा, तो मम्मी का कैसे नाम रोशन करोगे आप? इंडिया खेलेंगे बस। इंडिया खेलोगे? अब क्या खेलते हो, मेन प्लेयर में आप? नहीं, वैसे तो आधे सेट मैंने खेला है, आधे हम दीदी ने खेला है, सेटर खेलते। अच्छा, मतलब खेली हो प्लेयर में। हाँ, क्या क्या खेलते हो आप? लिफ्टर। लिफ्टर हैं, बहुत सुंदर। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, पूरी जयपुर टीम जो जीती है उसका हमने परिचय कराया, और ये बच्चे जो हैं लगातार किस प्रकार पूरे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र और किसान परिवार से ये बच्चे हैं जो अंडर 17 के अंदर गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। और कल जो है फाइनल ओवर होगा, उसका भी हम आप लोगों को वीडियो बताएंगे, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। वीडियो लंबा होने का कारण ये है कि ग्रामीण क्षेत्र की और किसान परिवार की बेटियां जो हैं वो आगे आ रही है। माता पिता उनको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि बेटा तुम्हारे लिए ये रास्ता है, आप ये चुनना चाहो तो ये चुनो, एजुकेशन चुनना चाहो तो ये एजुकेशन चुनो। आज देश अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है, तभी तो ये बेटियाँ जो हैं खेल के अंदर हमारे को देखने को मिलती हैं। लेकिन आपकी वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, मैं फिर आ जाऊँगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।